स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कराहल में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय ने निकाली भव्य तिरंगा रैली। खबर कराहल से है, जहां 15 अगस्त को एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य द्वारा एक नई पहल के आधार पर भारत माता का स्वरूप बनाकर सभी स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लिए और देशभक्ति के नारे लगाकर सुंदर रैली सारे नगर से होकर निकाली। कई सालों से चली आ रही पर पार्टी के अनुसार रैली ने प्रथम झंडा सलामी गणेश मार्केट में स्थित कांग्रेस कार्यालय झंडा चौक पर दी। उसके बाद कराहल पंचायत पर महात्मा गांधी जी का पूजन कर झंडे को सलामी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कराहल SDM ने सभी बच्चों को देशभक्ति के लिए सजग रहने का संकल्प दिलाया। वहीं कार्यक्रम में मंच बहुत बच्चों ने देशभक्ति के जुनून से ओतप्रोत होकर कई प्रस्तुतियां दी। अंत में बच्चों को इनाम और मिठाई वितरित करके कार्यक्रम को विराम दिया। जी, आज हम यहाँ मौजूद हैं उत्कृष्ट विद्यालय कराहल में। यहाँ जो छात्रों द्वारा रैली निकाली गई सुबह, आज यहाँ प्राचार्य जो नरेंद्र कुमार शर्मा जी, इनसे बात करके जानेंगे क्या तैयारियाँ चल रही थी, क्योंकि कोविड के बाद आज काफ़ी समावादी पहली ऐसी रैली यहाँ कराहल में निकाली गई। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। जी सर, क्या तैयारियां सर आप कर रहे थे इस आयोजन को लेकर? काफ़ी अच्छा आयोजन यहाँ किया गया। सर्वप्रथम तो मैं सभी राष्ट्रवासियों को 77वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उत्कृष्ट विद्यालय परिवार की ओर से देना चाहूँगा। हमारे विद्यालय के स्टाफ सदस्यों का मानना था कि नगर में एक प्रभात फेरी निकाली जाए परंपरागत ढंग से, जो कोविड के कारण बंद हो गई थी। इसके अलावा बच्चों के मन में जो उत्साह रहता है, उनको केवल उत्कृष्ट शिक्षा ही नहीं, उनको उत्कृष्ट संस्कार देने की भावना से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं, उसी दिशा में एक छोटा प्रयास उत्कृष्ट विद्यालय कराहल ने किया है, जिसमें सभी स्टाफ साथियों का भरपूर सहयोग मिला है। जी सर, है सबको अपना अपना कर्तव्य निभाना है। हम चाहते हैं ये भारत राष्ट्र की दुरावस्था है, ये अतिशीघ्र दूर हो, भारत पुनः अपने जो उसका श्रेष्ठ स्थान है, निर्धारित स्थान है विश्वगुरु का, उसको प्राप्त करे। चाहे जो मजबूरी हो, ड्यूटी हमारी पूरी हो, इस भावना से हम पूरे मनोयोग से सतत प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, पुनः सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज देखा भी था कि जो रैली में भारत माता का स्वरूप देकर जो आज एक नई पहल यहाँ प्राचार्य हमारे बीच मौजूद हैं, आज ये आयोजन यहाँ हुए हैं, ये आज काफ़ी समय उत्कृष्ट विद्यालय में यहाँ अतिथि के रूप में पधारे थे। जी सर बताइए, क्या आज आपको नया कुछ देखने को? पहले की अपेक्षा राष्ट्रीय पर्व पे जो कोरोना की वजह से या किन्हीं कारणों की वजह से रैली जो प्रभात फेरी आदिकाल से जो परपाटी थी, वो आज हमारे सम्मानीय प्राचार्य महोदय जी ने फिर से स्टार्ट की। राष्ट्रीय पर्व के पावन मौके पर मैं सबसे पहले हमारे अमर शहीदों को हजारों हजार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और दूसरी बात इस अवसर पर हमारे सम्मानीय नागरिकों को इस पर्व के मौके पर हृदय से सम्मान स्वागत और बधाइयाँ देता हूँ। जैसा कि प्राचार्य महोदय ने कहा कि हमारी देशवासियों की ये कोशिश है कि हिंदुस्तान विश्वगुरु बने, बहुत अच्छी बात है। हालांकि हमारे देश की विशेषताएं इस तरह की हैं, आदिकाल से हमारा देश वैज्ञानिकों का, ऋषि मुनियों का, और एक राष्ट्रीय गीत की पंक्ति भी याद आती है कि मुझे नाज है वतन पर झूठी लगन नहीं है। ये हमारा देश पहले से भी विश्वगुरु की तरह ही है। इस देश जैसी गंगा यमुना कहीं न होगी, वेदों की खूबसूरत रचना कहीं न होगी, इस देश जैसी धरती ऐसा गगन नहीं है। ये हमारे देश की विशेषता है, इसीलिए पूरे जो अन्य देश हैं वो हमारे देश का सम्मान करते आए, और आगे भी इसी तरह हमारा देश उत्तरोत्तर विकास करता रहेगा। इस सब के लिए ज़रूरी है कि आज जो वर्तमान में जो स्थिति है, देश की एकता अखंडता अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषा, लेकिन इसके बाद भी एकता, ये अगर कायम रहती है तो निश्चित रूप से विश्वगुरु बनेगा। और ये आजकल कुछ थोड़ा खतरे से में है, इसलिए सब बुद्धिजीवियों का, हर नागरिकों का ये कर्तव्य है कि किसी भी कीमत पर जाति पात छोड़ दो, भेदभाव छोड़ दो, मानवों की आपसी अखंड प्रीति जोड़ दो, एकता अखंडता के लिए जो करना पड़े, देश विखंडित नहीं हो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, बस यही कहना चाहता हूँ। केवल एक ही लक्ष्य है, बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देना और उनमें उत्कृष्ट संस्कारों का जागरण। आगे क्या तैयारियाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए?
पढ़ाई के लिए बस यही प्रयास रहेंगे कि उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा मिले, समाज में वे सफल हों। और कंटिन्यूस कराए जा रहे हैं लगातार। जी।